नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 14 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। नगर निकाय का चुनाव अब दलीय आधार पर। अब बिहार में नगर निकाय के चुनाव दलीय आधार पर करवाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इन नगर निकाय के अलावा मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षदों का चुनाव का काम शुरू किया जा चुका है। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव के लिए डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने इसके लिए सिफारिश की है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही DAI को सौंप दी जाएगी। उसके पश्चात ही सरकार इस बाबत कोई निर्णय लेगी। ऑक्टिव 2019 का हुआ आयोजन। ऑक्टिव 2019 का आयोजन इस साल बिहार में किया गया था, जिसमें शिरकत होने बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और राज्यपाल फागू चौहान पहुंचे। आयोजित इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के करीब 15 सांस्कृतिक दल और इनके कलाकार शिरकत हुए थे, जहां उन्होंने अपनी कला का भी प्रदर्शन किया। ना करने वाले अधिकारियों को VRS देकर किया जाएगा बाहर। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव विवेक कुमार सिंह ने भू सर्वेक्षण कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए यह साफ कर दिया है कि अगर किसी भी अधिकारी ने निर्धारित समय सीमा के अंदर जमीन से जुड़ी समस्याओं का हल नहीं निकाला तो उन्हें VRS हाथ में थमा कर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वहीं अगर किसी अधिकारी ने निर्धारित समय सीमा में अपना काम पूरा कर लिया, वैसे अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। साल 2024 तक पटना के 1.75 लाख घरों में PNG से बनेगा भोजन। आगामी साल 2024 तक पटना के 1.45 लाख घरों में PNG से भोजन बनाना शुरू हो जाएगा। हाल ही में गेल के साथ हुई अधिकारियों की बैठक में पटना में पाइपलाइन से घरों में नेचुरल गैस, साथ ही साथ सभी वाहनों के लिए CNG की आपूर्ति के मद्देनजर बैठक का आयोजन हुआ था, जिसके पश्चात उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया था कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत साल 2024 तक पटना के 1.75 लाख घरों में PNG, वहीं 2.20 लाख गाड़ियों को CNG उपलब्ध करवा दी जाएगी। अपार्टमेंट के जमीन मालिकों को अब देना होगा भारी टैक्स। पटना के सभी अपार्टमेंट धारकों के लिए अहम सूचना। आयकर विभाग ने पटना के 2200 अपार्टमेंट के जमीन मालिकों का असेसमेंट इस महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद विभाग इन्हें कैपिटल गेन टैक्स के लिए नोटिस भेजेगी, जिसके पश्चात अब अपार्टमेंट की जमीन मालिकों को 20% कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर अपार्टमेंट के मालिकों ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें टैक्स के साथ साथ सूद की राशि भी देनी होगी। मानव श्रृंखला के तहत अगले एक महीने तक सरकारी स्कूल रहेंगे बंद। जल जीवन हरियाली के तहत सरकार के मानव श्रृंखला को बनाने के फैसले को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों को अगले एक महीने तक बंद करने का आदेश दिया है। इस एक महीने के अंतराल में मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा। मानव श्रृंखला के जरिए आम लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। आपको बता दें, राज्य के नागरिक अगले साल 19 जनवरी को एक दूसरे का हाथ थामकर आम जनता को जल जीवन हरियाली अभियान का समर्थन करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। जदयू छोड़ भाजपा पर प्रशांत किशोर के बोल हुए तल्ख। जदयू के स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर ने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर अब जदयू को छोड़ भाजपा पर तंज कसा है। NRC और कैब को लेकर प्रशांत किशोर ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कैब और NRC के मुद्दे पर संसद में बहुमत से कैब को पास कर दिया गया है। नगरपालिका के अलावा 16 BJP CM पर भारत की शान को बचाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे राज्य जहां इसे लागू करने के लिए 3 मुख्यमंत्री पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने NRC को नकार दिया है और अब दूसरे 11 BJP राज्य के CM को अपना रुख स्पष्ट करने का समय आ गया है। बिहार की जनसंख्या बढ़कर 14.85 करोड़ हो जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने बढ़ती जनसंख्या का आकलन किया है, जिसके तहत बिहार में साल 2036 के दौरान बिहार की जनसंख्या 10.4 करोड़ से बढ़कर 14.85 करोड़ हो जाएगी। इस दौरान बिहार की जनसंख्या साल 2011 में 1106 से बढ़कर प्रति वर्ग किलोमीटर 1578 हो जाएगी। नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को अंक गणित देखने की दी नसीहत। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री नीरज कुमार ने पार्टी के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर का बिना नाम लिए सलाह देते हुए यह कहा है कि वह अपने बारे में भ्रम ना पाले, वोट के गणित को देखें। दरअसल नागरिकता संशोधन बिल पर जदयू के स्टैंड से नाखुश प्रशांत किशोर ने हाल ही में ट्वीट कर कहा था कि नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करने से पहले जदयू नेतृत्व को उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने 2015 में विश्वास और भरोसा जताया था। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2015 की जीत के लिए पार्टी और इसके प्रबंधकों के पास जीत के बहुत रास्ते नहीं बचे थे। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के टॉप 10 में पहुंचने वाले कोहली बने विश्व कप के इकलौते क्रिकेटर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 में शानदार प्रदर्शन कर मैन ऑफ द मैच सीरीज जीतने वाले विराट कोहली ICC की T20 रैंकिंग में टॉप 10 में 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं टेस्ट में वे पहले से ही स्मिथ को पीछे छोड़ नंबर 1 पर काबिज हैं, जबकि वनडे में भी वे ICC रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हैं। इस तरह कोहली दुनिया के इकलौते क्रिकेटर बन गए हैं जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में ICC के टॉप 10 रैंकिंग में शामिल हैं।
पटना में ठंड के साथ साथ बारिश ने गिराया तापमान। राजधानी पटना में ठंड बढ़ने के साथ साथ आम लोगों को बारिश का भी सामना करना पड़ रहा है। देर रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण राजधानी पटना के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही साथ बारिश के होने से अचानक से ठंड का असर भी बढ़ गया है। बारिश के कारण आम जनजीवन काफी ज्यादा अस्त व्यस्त है। बिहार के इस रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती हैं गाड़ियां। छपरा के पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वी मध्य रेल के सीमा पर स्थित पूर्वोत्तर रेल का ग्रामीण स्टेशन है, जहां पर रोजाना 50 से ज्यादा गाड़ियां हर रोज गुजरती हैं। मगर रेल प्रशासन ने एक भी ट्रेन के यहां रुकने की व्यवस्था नहीं की है, जिससे कि भारी संख्या में गुजर रही गाड़ियां भी स्टेशन पर एक बार भी नहीं रोकी जाती है। इसके उलट छपरा कचहरी स्टेशन पर भी कई पैसेंजर ट्रेन का परिचालन होता है और वो सारी ट्रेनें वहां रुकती भी हैं। अब आइए जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे आलोक नाथ की। आलोक नाथ को अक्सर हमने सीरियल्स और फिल्मों में पिता के किरदार में देखा है। आलोक नाथ का जन्म बिहार के खगड़िया जिले में हुआ था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1982 में गांधी फिल्म से की थी, जिसके लिए उन्हें अकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर से नवाजा गया था। इसके बाद कई सालों तक आलोक नाथ सीरियल्स में काम करते नजर आए थे। उसके बाद आलोक नाथ ने कई फिल्मों में बेहद ही अहम और रोमांचक किरदार भी निभाया है। पूर्वी चंपारण के अरेराज सोमेश्वरनाथ मंदिर में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। अरेराज में स्थित यह सोमेश्वरनाथ मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जहां प्रमुख रूप से भगवान शिव की पूजा होती है। खासकर सावन में श्रावणी मेले के दौरान यहां की सजावट भव्य और दिव्य होती है। इस मंदिर का गर्भगृह समतल से लगभग 20 फीट नीचे है। शहर का नेपाल के पास होने के कारण यहाँ पर तीर्थयात्री व भक्तगण पूरे बिहार के साथ साथ नेपाल से भी आते हैं। इस इलाके में अन्य भी कई मंदिर हैं, जिस कारण अरेराज को पूर्वी चंपारण के पवित्र शहर के रूप में भी जाना जाता है। जल जीवन हरियाली अभियान से होगा गौपालन का जुड़ाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्धता से जुटे हुए हैं। इसी के तहत फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश इन दिनों दरभंगा के मुर्तुजापुर पंचायत में हैं, जहां उन्होंने जागरूकता सम्मेलन को संबोधित भी किया। आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 कामों की चर्चा की, जिसमें से सबसे अहम पुआल का मुद्दा रहा। वहीं इसके अलावा उन्होंने गौपालन को जल जीवन हरियाली अभियान से जोड़ने का भी ऐलान किया है। बिहार दरोगा भर्ती के लिए 22 दिसंबर को होंगी परीक्षाएं। दरोगा भर्ती के लिए राज्य भर में 22 दिसंबर को परीक्षाएं होनी है, जिसकी तैयारी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पूरी कर ली है। जल्द ही इससे संबंधित सारे दिशा निर्देश सभी जिला पदाधिकारियों को भेज दिए जाएंगे। साथ ही साथ परीक्षा को सही ढंग से संपन्न करवाने के लिए मजिस्ट्रेट से लेकर तमाम जिलों के SSP को पत्र भेजा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी मुखियाओं को लेकर हुए सख्त। अब उन सभी पंचायतों के मुखिया जो कि सरकार द्वारा लागू किए गए सभी योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं करते, उन पर सरकार सख्ती दिखाने जा रही है। जिसके तहत अब बिहार के पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों के पंचायती राज पदाधिकारियों से कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय में से 2 निश्चय मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल एवं गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना में अगर पंचायतों के मुखिया ने सही ढंग से काम नहीं किया, तो वैसे मुखियाओं पर सरकार अब सख्ती से पेश आने वाली है। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर सरकार द्वारा जारी की गई इन योजनाओं को गांव तक पहुंचाना अब मुखियाओं की जिम्मेदारी है। शादी के बाद दुल्हन की हुई अनोखी विदाई। बिहार के भोजपुर जिले के AR गांव में एक दुल्हन की बड़े ही अनोखे अंदाज में विदाई की गई है, जहां पर शादी के बाद दूल्हे ने दुल्हन को अपने घर ले जाने के लिए चार पहिए या बस से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है, जिसकी चर्चा समूचे जिले के साथ साथ आसपास के जिलों में भी हो रही है। आपको बता दें, रवि रंजन की शादी प्रीति से पटना के एक होटल में हुई थी। शादी के बाद रवि रंजन ने अपनी पत्नी को अपने पैतृक गांव ले जाने के लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर की सेवा ली थी। लालू ने कैब मामले पर तोड़ी अपनी चुप्पी। राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बेबाक अंदाज से विपक्षी दलों पर तंज कसने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ है, जब लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन और कैब के फैसले का खुलकर विरोध किया है। साथ ही साथ सत्तारूढ़ केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने अपनी एक वीडियो भी ट्वीट की है, जहां वो खुलेआम कह रहे हैं कि कौन माइका लाल है जो मुसलमानों को देश से बाहर निकालेगा। मुजफ्फरपुर में शहद का बढ़ा उत्पादन। शहद का उत्पादन अब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल इटली का एक खास मधुमक्खी मेलीफेरा के चलते शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने में काफी मदद मिल रही है। इस खास इटली के मधुमक्खी ने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी है। लगभग 10,000 मधुमक्खी पालकों के अच्छे दिन वापस लौट आए। सामान्य पालक साल में 2 से 5 लाख की कमाई कर ले रहे हैं, तो वहीं बड़े पालक सालाना 10 से 15 लाख की कमाई कर रहे हैं। प्याज के दाम में जल्द ही दर्ज की जा सकती है गिरावट। प्याज के बढ़ते दाम से परेशान आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। जल्द ही उन्हें प्याज के सेवन के लिए इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आम नागरिक सस्ते और इम्पोर्टेड प्याज का स्वाद चख सकेंगे। उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार 15 दिसंबर के बाद आयातित प्याज मार्केट में उपलब्ध मिलेंगे, जिसके पश्चात प्याज की बढ़ती कीमत पर पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। सरयू राय ने किया भाजपा को लेकर बड़ा ऐलान।
भाजपा से बाहर हुए नेता सरयू राय ने भाजपा की भविष्यवाणी करते हुए आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी बात कही है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस बार भाजपा को सत्ता वापस नहीं मिलने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में मुश्किल से 15 सीट पर भी अपनी जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। आइए बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। बारिश के कारण ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में बारिश की संभावना बनी रहेगी, जिससे कि बादलों का आना जाना लगा रहेगा, जिसके कारण ठंड भी बढ़ेगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं दिन भर हल्की धूप निकलने की भी संभावना है। अब आइए जानते सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 13 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,700 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,060 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 46,700 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.71 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 71.89 रुपए प्रति लीटर था। बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली पानीपत। संजय दत्त, कीर्ति सानन और अर्जुन कपूर की पानीपत फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है। फिल्म के रिलीज होने के 7 दिनों के बाद भी यह फिल्म महज 25 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में कामयाब हो पाई है। हालांकि संजय दत्त, कीर्ति और अर्जुन के फैंस को इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, मगर सभी फैंस को इस मूवी को देखने के बाद निराशा ही हाथ लगी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। ठंड धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। इस ठंड के मौसम में अक्सर लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए कई नुस्खे अपनाते रहते हैं, तो आज का सवाल भी इसी से संबंधित है। ठंड से बचने के लिए आप कौन कौन से उपाय करते हैं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।